हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता एंड 22 सितंबर सुबह के 3:30 बजे इंडिया की सबसे बड़ी एंटी टेररिज्म रेड चालू हुई। ये रेड हुई अगेंस्ट ए रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI, जिसमें ये इंडिया के 15 स्टेट्स में 93 अलग अलग लोकेशंस पर 300 ऑफिसर्स फ्रॉम NIA एंड ED द्वारा कंडक्ट की गई। एंड इट वॉज वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि इस रेड में 106 मेंबर्स इंक्लूडिंग PFI चेयरमैन ओमा सलाम अरेस्ट हो गए। इस रेड में कई सारे चीजें मिली, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल डिवाइसेस, उसके साथ मिले वेपन्स और 8.3 लाख इन कैश। इसके बाद खबर ये भी आई कि इसी रेड में एक हिट लिस्ट भी मिली, जिसमें प्रोमिनेंट रिलीजियस हेड्स के नाम मेंशन थे। अब जाहिर है, जब ऑल ओवर इंडिया इतने रैम्पेंट रेड चालू थे, तो इन रिटेलिएशन PFI मेंबर्स ने शुरू कर दिया वॉयलेंट प्रोटेस्ट करना। नाउ ये प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया ऐसे कुछ कुछ पॉकेट्स में हो रहे हैं, लेकिन इनका मेन हब है केरला। केरला में इन PFI प्रोटेस्टर्स ने RSS ऑफिस के सामने जाकर स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दिया, रोड्स को ब्लॉक करके व्हीकल्स के कीज को निकालना शुरू कर दिया और शॉप्स को भी फोर्सफुली बंद करवा दिया, और तो और कुछ पुलिस ऑफिसर्स को असॉल्ट भी कर दिया। अकेले केरला में ही वैंडलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी से एटलीस्ट 5 करोड़ का लॉस प्रेडिक्ट किया जा रहा है। एंड इसके लिए केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन KSRTC केरला हाईकोर्ट भी गई है क्लेमिंग इट्स कॉम्पेंसेशन। इनफैक्ट इन रिटेलिएशन PFI के मेंबर्स ने तो केरला में एक स्ट्राइक यानी कि एक बंद तक होल्ड कर दिया था, जिसके अगेंस्ट फिर केरला हाई कोर्ट ने एक सू मोटो केस फाइल करके ये डिसीजन पास किया कि नोबडी कैन कॉल फॉर अ स्ट्राइक विदाउट अ प्रायर नोटिस ऑफ 7 डेज। एंड इसीलिए इस स्ट्राइक को कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की। सो जाहिर है, इससे प्रोटेस्ट और ज्यादा वॉयलेंट टर्न ले लिए एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। बट हाँ, एक और बात है कि सिंस दिस इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल एंड सेंसिटिव इशू, रेड में एग्जैक्टली कितनी चीजें पता चली है या फिर क्या जो भी इन्फॉर्मेशन निकला है, वो सारा इन्फॉर्मेशन अभी तक पब्लिक डोमेन में खुल के सामने नहीं रखा गया। बट नेवरदलेस, वी कैन स्टिल अंडरस्टैंड PFI फ्रॉम इट्स पास्ट केसेस। एंड इंटरेस्टिंगली, इस पूरे रेड की कहानी शुरू होती है जुलाई 2022 में, जब निजामुद्दीन पुलिस ने तेलंगाना में 3 PFI एक्टिविस्ट को अरेस्ट कर लिया था। नाउ रिपोर्टेडली द रीजन वाज कि वो यंगस्टर्स को इंडिया के खिलाफ लीथल वेपन्स यूज करना सिखा रहे थे, उन्हें ट्रेन कर रहे थे। इस रेड में अरेस्टेड लोगों से पुलिस को कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें भी मिली, जैसे कि सबसे पहले तो नाइव्स, अ पेयर ऑफ नन चुक्स यानी कि बेसिकली कराटे स्टिक्स, एंड थर्डली रेडिकल ISIS लिटरेचर। बट दिस डजंट रियली एड अप, राइट? Yes, क्योंकि बात यहाँ से और भी ज्यादा एस्केलेट हो गई जब पुलिस कमिश्नर नागार्जुन ने इन्वेस्टिगेशन के बाद एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अपने एंटी इंडिया मिलिटेंट्स को ट्रेन करने के लिए इन तीनों ने मिलकर पहले तो एक अच्छा मार्शल आर्ट्स कोच ढूंढा, जिसे ट्रेनिंग देने के लिए PFI फंड से 6 लाख रुपीज दिए गए, और फिर इस फीस के बदले उस ट्रेनर ने 200 PFI एक्टिविस्ट को लीथल वेपन्स यूज करने की ट्रेनिंग दी। एंड ये सारी चीजें पिछले 6 महीने से ही हो रही थी। कमिश्नर के अकॉर्डिंग इनका मेन एजेंडा था इनोसेंट मुस्लिम यूथ को ब्रेन वॉश करके, रेडिकलाइज करके, उन्हें एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए ट्रेन करना, उनको रेडी करना। इनफैक्ट नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA के हिसाब से PFI ऐसे यंगस्टर्स को ISIS और अलकायदा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए भी प्रवोक करता है। एंड इट्स नॉट इवन लाइक ये ऑर्गेनाइजेशन बस रिसेंटली ही फॉर्म हुई है, इसकी हिस्ट्री गोज बैक टू 1992, जब बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद साउथ इंडिया में और स्पेशली केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में कई रेडिकल इस्लामी ऑर्गेनाइजेशंस बन गए एंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस और ज्यादा प्रवोक हो गए। अब इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में से सबसे प्रोमिनेंट था स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिमी, जो कि 1977 से ही ऑपरेट कर रहा था। ये ऑर्गेनाइजेशन कई सारे एंटी इंडिया एक्टिविटीज में ऑलरेडी इन्वॉल्व था, एंड इनफैक्ट इसी सिमी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने USA के 9/11 अटैक्स के बाद बैन भी कर दिया था, अगेन फॉर द सेम रीजन, एंटी इंडिया एक्टिविटीज। अब लेकिन हुआ क्या कि इस बैन के बाद तुरंत 3 सिमिलर आइडियोलॉजी वाले इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, नेमली नेशनल डेवलपमेंट ऑफ केरला, कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी एंड मनीथा नीति पसारी, ये तीनों भी ऑर्गेनाइजेशंस 2006 में मर्ज हो गई और उन्होंने फॉर्म किया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI। अब ऑब्वियसली इस ऑर्गेनाइजेशन को पता था कि अगर ओपनली कुछ भी गलत काम किया जाए तो इन पे भी बैन लग सकता है, एंड इसीलिए इन्होंने कई सालों तक बहुत ही समझदारी से लोगों के बीच अपनी एक पॉजिटिव इमेज बनाई, इमेज ऑफ अ सेवियर ऑफ माइनॉरिटीज एंड ह्यूमन राइट्स। इनफैक्ट ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े टू मेंटेन दैट गुड इमेज, एंड इसी इमेज ने उन्हें एक सब्सटैंशियल इनिशियल पुश भी दे दिया, एंड कुछ ही वक्त में बाय 2013 ये ऑल ओवर इंडिया एक प्रोमिनेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बन गई। लेकिन इतने सारे स्टेट्स में अपना होल्ड बनाना सिर्फ पैसे के
दम पे पॉसिबल नहीं था एंड विच इज वाई इसमें प्रोमिनेंट रोल प्ले किया PFI की आइडियोलॉजी एंड कल्चर ने। इन्होंने टारगेट किया माइनॉरिटीज को जिनमें बेसिकली एंटी गवर्नमेंटल सेंटिमेंट्स को डेवलप करके इन्होंने अपना आइडियोलॉजिकल सपोर्ट बेस को एक्सपांड कर दिया। एंड फिर एक टाइम के बाद तो बात वॉलंटरी रिक्रूटमेंट्स की आ गई थी जब उनकी टारगेट ऑडियंस खुद सामने से PFI की मेंबर्स बनना चाहती थी। एंड देन गेस व्हाट, इसी इकोनॉमी क्लास के लिए इन्होंने मेंबरशिप फीस भी रखा था सिर्फ 10 rupees पर मंथ। नाउ कट टू आज, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि दे बेसिकली ऑपरेट लाइक अ फुल फ्लेज्ड इंस्टीट्यूशन। PFI मेंबर्स की सबसे पहले तो अपनी एक यूनिफॉर्म भी है जिसे मेंबर्स के बीच एक कॉमन आइडेंटिटी और उनकी फीलिंग को बरकरार रखने के लिए रखा गया है। इनफैक्ट 17 February को ये अपने सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में एक यूनिटी परेड भी करते थे। यहाँ तक कि PFI की खुद की एक तेजस नाम से एक मैगजीन भी है और ये काफी हद तक सैयद अबू अला मदूदी, अलम इकबाल और ओसामा बिन लादेन की आइडियोलॉजी से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। अब अगर आज की इन्फॉर्मेशन, अभी जो रेड हो रहा है PFI के ऑफिसेज में, अगर मैं उसकी बात करूं तो देयर इज नॉट रियली मच इन्फॉर्मेशन टू टेक एनी स्टैंड्स ओवर हियर। मतलब कि गवर्नमेंट ने अब तक उतना डेटा निकाला ही नहीं है कि एक्यूरेटली मालूम पड़ सके कि ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली करती क्या थी। लेकिन हाँ, हम ये ऑर्गेनाइजेशन क्या एग्जैक्टली करती थी इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कुछ इनके पास्ट केसेस से। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद 4 प्रोमिनेंट केसेस। केस नंबर 1, 2010 में केरला पुलिस ने एक सीक्रेट फैसिलिटी में चल रहे ट्रेनिंग कैंप में रेड मारी थी एंड वहां से उन्होंने 21 PFI मेंबर्स को अरेस्ट किया और उस फैसिलिटी से वेपन्स, बॉम्ब्स, ह्यूमन डमीज और ईरानियन आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स भी बरामद किए। एंड तब पता चला कि इनका लिंक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से था जिस वजह से मालाबार रीजन को टेररिस्ट हब का नाम भी मिल गया। नाउ केस नंबर 2, 2010 में ही पुणे में हुए द मोस्ट इनफेमस जर्मन बेकरी ब्लास्ट में सस्पेक्ट हिमायत बेग, जिसका लिंक एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन मुजाहिदीन के साथ था, उसे भी PFI allegedly सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। केस नंबर 3, अब ये शायद आपके दिमाग में भी बहुत ज्यादा फ्रेश होगा क्योंकि अभी रिसेंटली 2019 में ही एंटी CAA प्रोटेस्ट के दौरान भी दिल्ली पुलिस का कहना था कि 150 PFI एक्टिविस्ट दंगे शुरू होने के 2 दिन पहले से ही जामिया नगर में छुप गए थे एंड इन्हीं लोगों ने मिलकर पत्थरबाजी और बसेस को जलाकर प्रोटेस्ट को वायलेंट टर्न दे दिया था। नाउ केस नंबर 4, और ये सबसे शॉकिंग बात है कि PFI मेंबर्स कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि हरकत उल जिहाद अल इस्लामिक, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा और अलकायदा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ सिंपथाइज करते हुए भी नजर आए हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन केसेस की जहां पे PFI मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग में भी इन्वॉल्व पाए गए। एंड माइंड यू, इसमें हम सिर्फ वही वाले केसेस ले रहे हैं जिसमें खुद इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे कि NIA या फिर ED ने इन्हें मेंशन किया है। सो ED का ऐसा कहना है कि PFI अक्सर हर असाइनमेंट के लिए अलग अलग सोर्सेज एंड अलग अलग अकाउंट से फंड्स को रिसीव करता है। फॉर एन इंस्टेंस, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि सिर्फ एक एंटी CAA रायट्स करवाने के लिए PFI ने 73 डिफरेंट अकाउंट्स में से 120 करोड़ खर्च किए थे। आई रिपीट, सिर्फ एक असाइनमेंट के लिए। एंड यूजुअली ये जो फंड्स होते हैं वो एक स्पेसिफिकली डिजाइन सिस्टम के थ्रू ही आते हैं। ईडी के थ्रू ये भी पता चला है कि PFI ने काफी स्मार्टली एक कैलकुलेटेड तरीके से इस पूरे सिस्टम को सेटअप किया है क्योंकि इन 73 एक्टिव अकाउंट्स में से सिर्फ 10 अकाउंट्स ही PFI से डायरेक्टली लिंक्ड है एंड बाकी के सारे अकाउंट्स ओवरसीज चल रहे हैं। बट वो कैसे? वेल, चलो लेट्स डिकोड द एंटायर सिस्टम और ये समझते हैं कि कैसे इनका पूरा जो मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क होता है वो कैसे काम करता है। सो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये सारे के सारे फंड्स आते हैं इन द नेम ऑफ ज़कात, दैट इज रिलीजियस चैरिटी। इसका मतलब ये होता है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज इतना पैसा या फिर इतना फंड्स भेजती है सोशल वेलफेयर के लिए, जैसे कि लड़कियों की पढ़ाई, मॉस कंस्ट्रक्शन और मदरसास बनाने के नाम पर। एंड इसीलिए क्योंकि ये चैरिटी के नाम पर आते हैं, अक्सर ये इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के सर्विलेंस को बाईपास भी कर लेते हैं। नाउ इसका वर्किंग ऐसा है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से सबसे पहले तो लेट्स से सऊदी एंड टर्की से सबसे पहले फंड्स जाते हैं PFI की ओवरसीज एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट में। इसके भी कुछ एग्जांपल्स मिले हैं ईडी को, जैसे कि UAE में रिहाब फाउंडेशन जो है और बहरीन और कुवैत में मौजूद इंडियन फर्टिलिटी फोरम। नाउ नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये वेरियस सोर्सेज से आने वाले पैसों को इंडिया में कैसे लाया जाए। नाउ ऐसा करने के लिए PFI इंडिया में कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक NGO खोलेगा जिसमें ये अबव मेंशन जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, अगेन ज़कात के नाम पर ही अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA, इस एक्ट थ्रू लीगली अपना पैसा इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस में सेंड कर सकता है एंड फिर ये ऑर्गेनाइजेशंस या फिर NGO पैसा देगी PFI को और PFI इसको यूज करेगा अपने एक्टिविटीज के लिए। सो बेसिकली गवर्नमेंट से बहुत ही स्लाइली बाईपास करके अपना पैसा इस मॉडल के थ्रू इंडिया में लाया जा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक इंडियन NGO नेम्ड मुस्लिम रिलीफ नेटवर्क इस मुद्दे में फिलहाल ED के सामने आया है जो भी सिमिलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। एंड अपेरेंटली इसी NGO MRN का ऑब्जेक्टिव था पैलेस्टाइन कॉज के लिए आवाज उठाना और इंडियन गवर्नमेंट पर प्रेशर डालना कि वो भी पैलेस्टाइन के फेवर में वर्ल्ड फोरम्स पर अपना स्टैंड खुलकर सामने रखे।
अब ये सारे फंड्स एग्जैक्टली कहाँ यूज होते थे ये बता पाना हल्का सा मुश्किल है, लेकिन हाँ ये बात क्लियर है कि पीएफआई के पास पैसे तो थे, अब बचा था सिर्फ पावर, एंड द बेस्ट टाइप ऑफ पावर इज पॉलिटिकल पावर। सो 2009 में ही कुछ पीएफआई के मेंबर्स ने अपनी एक पार्टी बनाई और उसका नाम रख दिया सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, SDPI। और उनका गोल वही सिंपल था, सारे डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को उनका विकास करना। अब ये SDPI ने स्टार्ट किया स्मॉल और टारगेट किया अगेन लोकल इलेक्शंस को, एंड माइंड यू 2014 तक विद इन 5 years ये स्टेट और लोकसभा के इलेक्शंस भी लड़ने लग गए थे। पर इतना भी आसान नहीं है एक डेमोक्रेसी में अपना पॉलिटिकल होल्ड बनाना, विच इज वाई 2019 के इलेक्शंस में इस पार्टी को केवल 3% ही वोट्स मिले। देखा जाए तो अब तक पॉलिटिकली एक नेशनल लेवल पर ये अभी तक इतने सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, बट 2018 के लोकल इलेक्शंस में दे सक्सेसफुली गैदर्ड 121 सीट्स। सो नीडलेस टू से SDPI ने ग्राउंड लेवल पर अपनी एक अच्छी खासी पकड़ बना ली, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द ट्रू आइडियोलॉजी बिहाइंड दिस पॉलिटिकल पार्टी, एंड जिसके लिए ऑब्वियसली हम कुछ पास केसेस पे तो रिलाई कर ही सकते हैं, लेकिन आई थिंक जो रेट से आने वाली इन्फॉर्मेशन है हमें उसके लिए भी वेट करना चाहिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन एक बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन रहेगा इन डिसाइडिंग बेसिकली द फ्यूचर ऑफ PFI। एंड इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम सब में, चाहे वो हिंदूज है, क्रिश्चियंस है, एंड इवन मुस्लिम्स भी क्यों नहीं, बट सारे इंडियंस को इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन इस पॉलिटिकल पार्टी या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और डिटेल्स मालूम पड़े। एंड इसीलिए प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे एक लाइक कर दो, और ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल गेट सेट फॉर फन को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन ऑन, वरना फ्लॉन्ट नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।